कौन सा मोबाइल दूँ? तुझसे जिन्हें करती है तो ना के करे, एग्जीक्यूटिव सर्च कर सर्च। हेलो गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए यार, क्या हालचाल आप लोग का? आई होप सो एवरीवन इज गुड, बीइंग फैंटेस्टिक। सब बढ़िया हो, जोरदार हो, जबरदस्त हो, शानदार हो, खतरनाक हो। कल आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया यार। क्या बोल रहे बेटा? यस बड़ीज बाबूज बेबीज जानूस सोनास गुड्डूस। सर किसी ने पूछा सर आपका बैक पेन कैसा है? कल के लेक्चर लेने के बाद में ठीक लग रहा है ना? आपकी स्माइल, आपका प्यार देख के अब ठीक लग रहा है मुझे। नहीं जेन्यूनली मुझे ठीक लग रहा है, ऐसा नहीं है लेक्चर, लेकिन जेन्यूनली मुझे अच्छा लग रहा है आज। आई एम फीलिंग गुड, बेटर बेटर फील हो रहा है, बेटर फील हो रहा है। चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। समृद्धि बोलू सर, आप मुझे भूल गए। ओ हो मैडम, बस क्या मैडम, बस क्या मैडम। चलिए यारो स्टार्ट करें क्या? आज हम क्या करते हैं ना, दो चैप्टर्स हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? दो छोटे टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। एक तो आपका बोर्ड मीटिंग वाला कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? एक तो आपका बोर्ड मीटिंग खत्म कर लेते हैं और एक वर्चुअल मीटिंग खत्म कर लेते हैं, अगर हुआ तो। हुआ तो कोशिश करेंगे मतलब, ठीक है ना? ट्राई करेंगे कि दो चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लें, ताकि फिर अभी एक ही टॉपिक बचेगा जनरल मीटिंग, और फिर भर भर के क्या पढ़ाऊंगा, केस स्टडी। भर भर के क्या कराऊंगा बेटा, केस स्टडी करवाऊंगा। सर 50,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, हो रहे हैं मतलब, हो जाएंगे यार 50,000, क्या 5 लाख भी हो जाएंगे आपका प्यार रहा तो। नहीं लेकिन इनके लिए थोड़ी है, तो इनका तो ऑलरेडी एडमिशन से बेचारे। चलिए सागर भाभी की स्टोरी बताता हूँ आज। आज सागर तेरी स्टोरी बताने वाला हूँ, बच्चे पूछ रहे हैं भैया, बच्चे पूछ रहे हैं स्टोरी बताओ बोले सागर भैया की, तो आज बता देंगे सागर भैया की स्टोरी बता देंगे आज आपको, ठीक है? हाँ पब्लिक रहेगी? नहीं नहीं यार, हर लेक्चर क्या पब्लिक रहेगा क्या? क्या क्या इधर क्या भंडारे में आए हो क्या तुम लोग? है ये भी पब्लिक वो भी पब्लिक, कल का रखा ना पब्लिक बेस शर्मो। चलिए यारो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कंसंट्रेट करना। चलिए यारो बोर्ड मीटिंग की मैं बात कर रहा हूं, देख तो आराम से कंसंट्रेट करना, ज्यादा हेवी हेवी चैप्टर नहीं है ये, है ना? विदिन मुझे लगता है 30-35 मिनट्स, 40 मिनट्स, चलो 40 मिनट के अंदर ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। 40 मिनट्स के अंदर विल कंप्लीट दिस चैप्टर। सबसे पहले यार बोर्ड मीटिंग है यार, बोर्ड मीटिंग कौन अटेंड करेगा? ऑब्वियसली बात है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर क्या शेयर होल्डर अटेंड कर सकते हैं? आंसर इज नो, शेयर होल्डर ऑब्वियसली बात है बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। मुदित बेटा समरी नोट्स पेड है बेटा, ग्रुप में नहीं आवेंगे, नहीं आवेगा। चलिए बोलो, हाँ हाँ क्या करना है? हाँ हाँ अच्छा
यस बडीज, लेकिन डाउनलोड मतलब वो पीडीएफ फिर शेयर कर सकते हैं क्या? एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना, एक मिनट से स्टार्ट करूंगा। तो बहुत फोन आ रहे हैं निशा पर्सनल। चलिए सो यार, बोर्ड मीटिंग अगर मैं बात करूं दोस्तों, आराम से कॉन्सेंट्रेट करना। बोर्ड मीटिंग, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो है ना वो आपके विद इन 30 डेज होना चाहिए। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कितने दिन के अंदर होना चाहिए बेटा आपका? विद इन 30 डेज आपकी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन। फ्रॉम द व्हाट बेटा आपका? इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर पहली बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए। इनकॉर्पोरेशन से कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर आपकी पहली बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। इसके अलावा, इसके अलावा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फोकस करना, इसके अलावा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको 4 बोर्ड मीटिंग और एक्स्ट्रा लेना है। मतलब फर्स्ट मीटिंग लेने के बाद आपको 4 मीटिंग और एक्स्ट्रा लेना है। तो कोई आपसे पूछे ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कितनी बोर्ड मीटिंग होगी, तो आप क्या बोलोगे? 5 बोर्ड मीटिंग। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कितनी बोर्ड मीटिंग होगी, तो आप फर्स्ट बोर्ड मीटिंग 30 डेज के अंदर, उसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? 4 और मीटिंग लेनी पड़ेगी। उसके अलावा कितनी मीटिंग लेनी पड़ेगी आपको? 4 और बोर्ड मीटिंग आपको लेनी पड़ेगी। क्लियर है करके यहाँ पे, यहां तक की बात है? यस और नो? द गैप बिटवीन टू बोर्ड मीटिंग शुड नॉट बी मोर देन 120 डेज। अब यार इस चीज को थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा समझना बेटा, क्या होता है समझ लो। वैसे देखो यार, समझो अगर मेरी कंपनी है ना, मेरी कंपनी लेट्स से कि अक्टूबर में इनकॉर्पोरेट हुई है ना, 1 अक्टूबर को क्या हुई है? इनकॉर्पोरेट हुई है। मुझे एक बात बताइए, 1 अक्टूबर को मेरी कंपनी क्या होगी? इनकॉर्पोरेट होगी। ओके सर, ठीक है सर। अब 1 अक्टूबर को इनकॉर्पोरेट होने के बाद अगर देखा जाए, तो क्या मुझे 30 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक क्या फर्स्ट मीटिंग लेनी पड़ेगी? हाँ है ना, यस और नो? अब क्या उस फाइनेंशियल ईयर में और मैं कितनी मीटिंग ले, 4 मीटिंग ले सकता हूं क्या? प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो बोले रिमेनिंग क्वार्टर में, इस केस में क्या होता है ना, अक्टूबर तक एक ले ली, फिर जो एक रिमेनिंग क्वार्टर बचे, तो इस साल में एक ही क्वार्टर बचा है अभी, जैन फेब और मार्च वाला, क्योंकि दिसंबर वाला क्वार्टर तो हो गया। तो जैन फेब और मार्च एक ही क्वार्टर बचा है, तो उस क्वार्टर में एक बोर्ड मीटिंग ले लो, उस क्वार्टर में एक और बोर्ड मीटिंग ले लो, ठीक है? तो बोला ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में पहली मीटिंग 30 डेज के अंदर होनी चाहिए, उसके अलावा 4 मीटिंग लेनी होती है आपको। लेकिन अगर क्वार्टर ही नहीं बचे, इतने इतने क्वार्टर ही नहीं बचे, तो रिमेनिंग क्वार्टर में जो जितने भी क्वार्टर बचे हुए हैं उसमें एक मीटिंग ले लो, जितने भी क्वार्टर बचे हुए हैं उसके अंदर एक एक मीटिंग ले लो, करेक्ट है? तो यहां पे एक ही क्वार्टर बचा है, तो उसमें एक मीटिंग ले लो। ओके बड़ी, चलिए बेटा, सूरज से भी कह दो नजर चुरा के करे, हमसे बातें करनी है तो। थोड़ा सा नेट मुझे लग रहा है यहां प्रॉब्लम में, नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम में जा रहा है, बट ठीक है, हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए सो देखो यारो, यहां पे देखना, द गैप बिटवीन टू बोर्ड मीटिंग शेल नॉट बी मोर देन 120 डेज। मतलब दो बोर्ड मीटिंग के बीच का मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है? 120 दिन, उससे ज्यादा गैप नहीं हो सकता, ठीक है सर? और SS1 सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोलता है कि भैया एक क्वार्टर में एक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, एक क्वार्टर में एक बोर्ड मीटिंग होनी ही चाहिए। चल समरी नोट्स के बुक का बोल रहे हैं कि क्लोज है, अब कैसे लेने का? कोमल बेटा थोड़े लेट हो गए आप, बट मैं ट्राई करवाता हूँ कुछ दिन के लिए और रीओपन करने के लिए, कुछ दिन के लिए रीओपन करने के लिए मैं ट्राई करवाता हूँ। चलिए, गैप शेल नॉट एक्सीड 120 डेज। गैप जो है वो 120 दिन से ज्यादा होना नहीं चाहिए। गैप शल नॉट एक्सीड व्हाट बेटा आपका? 120 दिन से गैप ज्यादा होना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया।
अगर देखो यार कोई स्मॉल कंपनी है, 1% कंपनी है, डोरमेंट कंपनी है, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है या आईएफएससी कंपनी है, इन कंपनी को बोला है यार तुम पे इतना बर्डन नहीं देंगे, चार चार मीटिंग लेने की तुमको आवश्यकता नहीं है, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, इनको क्या बोला है कि भैया तुम इतना बर्डन मत लो यार, है ना, तुम इतना ना लो, तुम एटलीस्ट एक काम करो, वन इन ईच हाफ कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर मतलब 12 महीने, हाफ कैलेंडर ईयर मतलब 6 महीने, तो एक 6 महीने में एक मीटिंग ले लो, तो साल में आप 2 मीटिंग लोगे तो भी चलेगा, सो वन मीटिंग इन हाफ कैलेंडर ईयर मतलब 6 महीने में एक मीटिंग, और गैप मिनिमम 90 डेज होना चाहिए, कम से कम गैप कितना होना चाहिए बेटा, 90 डेज होना चाहिए, कम से कम गैप कितना होना चाहिए, 90 डेज होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, 1% डायरेक्टर है जिसमें एक ही डायरेक्टर है तो उसको बोर्ड मीटिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, अगर एक ही डायरेक्टर है तो बोर्ड मीटिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा एक चीज बताता हूं मैं आपको, मुझे आप कैलकुलेट करके बताना, सपोज कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, सपोज कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है 1st of March को, या 1st of March भी नहीं, 1st of April को, तो क्या करोगे, कितनी मीटिंग लोगे, 31 अप्रैल तक, 31 अप्रैल तक एक मीटिंग ले लो। अब अप्रैल वाला क्वार्टर तो चला गया, अप्रैल में जून वाला क्वार्टर तो चला गया, तो जुलाई अगस्त सितंबर एक मीटिंग, अक्टूबर नवंबर दिसंबर दूसरी मीटिंग, जैन फेब मार्च तीसरी मीटिंग, तो आपको 3 मीटिंग लेनी पड़ेगी, 3 क्वार्टर बचे हुए हैं तो 3 मीटिंग आपको लेनी पड़ेगी, है ना। सो 2 क्वार्टर बचे हुए तो 2 मीटिंग ले लेना, 4 क्वार्टर बचे हुए तो 4 मीटिंग ले लेना, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, कितने क्वार्टर बचे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो अब अगर हम बात करें नोटिस, नोटिस की अगर हम बात करें दोस्तों, फोकस करना, जब भी आप बोर्ड मीटिंग लोगे तो एटलीस्ट 7 डेज का क्लियर नोटिस देना है, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा पेंसिल चार्ज करना पड़ेगा, तब तक आप सुनते जाओ जरा। क्या बोला गया है, जब भी हम बात करते हैं नोटिस की तो कितने दिन पहले नोटिस जाएगी, जैसे जनरल मीटिंग की नोटिस कितने दिन पहले जाती है, 21 डेज क्लियर डेज, वैसे यहां पे 7 क्लियर डेज नोटिस जाएगी टू ऑल द डायरेक्टर्स, 7 दिन पहले नोटिस जाएगी टू ऑल द डायरेक्टर्स, है ना, बिफोर द बोर्ड मीटिंग। अब क्लियर डेज मतलब समझते हो, 2 दिन हम निकाल देंगे, 2 डेज हम एक्सक्लूड करेंगे, कौन से 2 दिन, एक दिन जिस दिन नोटिस सर्व हुई है और जिस दिन मीटिंग है, सेकेंड डे कौन सा, जिस दिन मीटिंग है, एक दिन जिस दिन नोटिस सर्व हुई है वो दिन निकाल देंगे, और दूसरा जिस दिन मीटिंग है वो दिन भी निकाल देंगे। ठीक है, ये क्लियर है कि आपको, सो नोटिस निकाल दिया जाएगा, नोटिस किसको दिया जाएगा, ऑल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर को भी दिया जाएगा, इंटरेस्टेड डायरेक्टर है उनको भी दिया जाएगा एट द रजिस्टर ऑफिस। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बेटा, एक बार जल्दी से देख लीजिए कितने दिन का नोटिस जाना चाहिए, एटलीस्ट 7 क्लियर डेज का नोटिस जाना चाहिए, किसको जाना चाहिए, टू ऑल डायरेक्टर्स बिफोर द मीटिंग, टू ऑल डायरेक्टर्स बिफोर द मीटिंग, सारे डायरेक्टर को जाना चाहिए बिफोर द मीटिंग। ओके सर, क्लियर डेज मतलब कितने दिन एक्सक्लूड करोगे, 2 दिन एक्सक्लूड करोगे, और अगर नोटिस पोस्ट से भेजी है तो 4 दिन एक्सक्लूड करोगे, ये हमने जनरल मीटिंग में ही देखा था, सेम पॉइंट है, अगर नोटिस नॉर्मली नोटिस दिया आपने तो 2 दिन एक्सक्लूड करोगे, अगर पोस्ट से दी है तो बेटा 4 डेज एक्सक्लूड करोगे, कितने दिन एक्सक्लूड करोगे, 4 डेज एक्सक्लूड करोगे। सर क्या एडिशनल डायरेक्टर को अल्टरनेट डायरेक्टर को देना पड़ेगा, हाँ नोटिस देना पड़ेगा। सर इंटरेस्टेड डायरेक्टर को भी नोटिस देना पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल देना पड़ेगा, इंटरेस्टेड डायरेक्टर को भी देना पड़ेगा। सर नोटिस कैसे दे सकते हो, हैंड डिलीवरी मतलब सबको जाके हाथ में दे सकते हो नोटिस, ये ले तेरा, ये ले तुझे दिया हाथ में नोटिस, बहुत बढ़िया। और पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड, पोस्ट भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी दे सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, कोई वांदे नहीं है। फिर बोला है शॉर्टर नोटिस इज अलाउड, अब यार शॉर्टर नोटिस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्टर नोटिस, सागर की स्टोरी बताऊंगा, टेंशन ना लो, अरे बताऊंगा, पहले पढ़ लो फिर बताता हूं, एक स्टोरी बहुत अच्छी है बताता हूं मैं आपको। शॉर्टर नोटिस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो शॉर्टर नोटिस का मतलब हो गया कि लेस देन 7 डेज का नोटिस है ना, उसको हम बोलते हैं शॉर्टर नोटिस। लेस देन 7 डेज की अगर हम बात करें दोस्तों, लेस देन 7 डेज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो लेस देन 7 डेज में क्या बोला है, शॉर्टर नोटिस मतलब लेस देन 7 डेज,
लेस देन वॉट बेटा आपका 7 days, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे प्रभु बैठ जाता हूँ थोड़ी देर यार। ओके सो लेस देन 7 days का नोटिस को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टन नोटिस। ओके सर, डोंट डोंट दिक्कत नहीं है सर। अब शॉर्टन नोटिस अलाउड है अगर उस मीटिंग में एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए उस मीटिंग में, तो शॉर्टन नोटिस इज अलाउड। तो शॉर्टन नोटिस इज व्हाट बेटा आपका, अलाउड। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आया, एक और चीज बता देता हूं, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं था तो एक काम करना, आने वाले मीटिंग में नेक्स्ट के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से परमिशन ले लेना, रेक्टिफाई कर लेना। परमिशन लेना मतलब समझते हो, परमिशन लेना मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बोलना, अरे आप नहीं थे उस मीटिंग में, हमने शॉर्टर नोटिस से मीटिंग ली, अब आप उसको रेक्टिफाई कर दो, आप अपना कंसेंट दे दो। आप अपना क्या दे दो? कंसेंट दे दो। ठीक है क्या, ये क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। अब मीटिंग में कैसे अटेंड कर सकते हो? इन पर्सन आ सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकते हो, ऑडियो विजुअल मीन से भी हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यार एक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ मीटिंग इज कॉल्ड विद इन 120 days, 120 दिन के अंदर आपने मीटिंग ली, 120 दिन मतलब गैप बिटवीन टू मीटिंग शल नॉट एक्सीड 120 दिन, 120 days, गैप बिटवीन बोर्ड मीटिंग शल नॉट एक्सीड कितना बेटा, 120 days। लेकिन वो एडजन हो गई ड्यू टू लैक ऑफ कोरम, इट वुड स्टिल बी कंसिडर इन काउंटिंग द नंबर ऑफ मीटिंग टू बी हेल्ड इन अ ईयर। वो हम काउंट करेंगे कि भैया हाँ आपने मीटिंग ली, एडजन हुई है कोरम की वजह से। देखो बात समझना, क्या गैप 120 दिन हो सकता है मैक्सिमम? मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 120 दिन। बट हुआ यू आपने मीटिंग तो ले ली 120 डेज के अंदर, बट वो मीटिंग एडजन हो गई, कोरम नहीं आया इसलिए एडजन हो गई, तो क्या डिफॉल्ट माना जाएगा? आंसर इज नो, डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। आंसर इज नो, डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। ओके सर, नोटिस टू डायरेक्टर स्टेइंग अब्रॉड शैल बी गिवन एट अ फॉरेन एड्रेस, इट कैन ऑल्सो गिवन बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। जो फॉरेन का बंदा है, कोई फॉरेन डायरेक्टर, अभी मेरी कंपनी में है ना, हमने किसको रख लिया? मियां खलीफा को मेरी कंपनी में डायरेक्टर रख लिया है। देखो यार हमें है ना अच्छे लोगों की बहुत जरूरत है, तो मियां खलीफा को मैंने क्या कर लिया, अपनी कंपनी में डायरेक्टर रख लिया भाई साहब। अरे पूर्वा मैडम बस क्या, बस क्या मैडम, बस क्या है ना, तो अपने मियां खलीफा को मैंने क्या रख लिया भैया, डायरेक्टर रख लिया, तो उसको यार उसको क्या किया करेंगे? अरे मियां खलीफा कौन है? आई एम सॉरी, गलत नाम बोल दिया मैंने, मेरा नाम बोलना था, मैं बुर्ज खलीफा बोलना चाहता था, बुर्ज खलीफा के ओनर की मैं बात करना चाहता था, गलत नाम मैंने बोल दिया, दीदी का नाम बोल दिया मैंने तो। सो क्या बोला गया दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करना, मेरे कंपनी में लेट से टॉम क्रूज, टॉमी भैया अपने जो है ना, टॉमी भैया, उसको मैंने डायरेक्टर रख लिया, तो उसको उसके फॉरेन एड्रेस पे क्या देना पड़ेगा? नोटिस देनी पड़ेगी। आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी दे सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी दे सकते हो। ठीक है, अब वेयर एडजर्न मीटिंग विल बी हेल्ड एज पर द एओए, एडजर्न मीटिंग कहां पे होती है, तो आर्टिकल जो डिसाइड करेगा वो, एट सेम टाइम सेम प्लेस और इन द नेक्स्ट वीक। अगर नोट देखो यार क्या हुआ समझना, अगर आपने क्या किया, मीटिंग एडजर्न हुई है, मीटिंग क्या हुई है आपकी, एडजर्न हुई है, तो आर्टिकल के हिसाब से फॉलो करो। अगर आर्टिकल कुछ नहीं बोलता है तो सेम डे नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट वीक में क्या हो जाएगी, मीटिंग चली जाएगी, मीटिंग चली जाएगी, नो नोटिस इज रिक्वायर्ड, उस केस में नोटिस की जरूरत नहीं है। करेक्ट, यहां तक बात सुनो। फिर बोला इफ नोटिस इज नॉट सेंड टू इवन वन डायरेक्टर द मीटिंग शैल बी कंसीडर्ड इनवैलिड। अगर एक भी बंदे को आपने नोटिस नहीं भेजी ना, एक भी डायरेक्टर को, इसको इनवैलिड माना जाएगा। हाउएवर डायरेक्टर अटेंड द मीटिंग, देन द मीटिंग इज वैलिड। अब देखो क्या हुआ, मेरे कंपनी में लेट से ये गजानन बाबू है ना, गजानन बाबू डायरेक्टर है, गजानन ढमडेरे ना डायरेक्टर है। अब गजानन बाबू को मैं नोटिस देना भूल गया और मैंने मीटिंग ले ली, ये बंदा आया भी नहीं मीटिंग में, तो वो मीटिंग वैलिड होगी या इनवैलिड होगी? वो इनवैलिड होगी। गज्जू बेबी को, अरे हमारी गज्जू बेबी को मैंने दिया ही नहीं नोटिस, अब जब मैंने उसको दिया ही नहीं तो वो कहां से आएगा, वो आया ही नहीं मीटिंग में, और तो फिर जो मीटिंग हुई वो इनवैलिड हो जाएगी। अब दूसरा सिचुएशन, मैंने गज्जू बेबी को नोटिस नहीं दिया, लेकिन गज्जू बेबी आ गई, पता नहीं उसको उड़ती उड़ती खबर आई और मीटिंग में आके बैठ गई, आई मीन उसे बैठ गया गज्जू बेबी बैठ गया, तो मुझे बताइए मीटिंग वैलिड या इनवैलिड? तो मीटिंग वैलिड होगी, क्यों? क्योंकि गज्जू बेबी मीटिंग में आ चुकी है ना, मीटिंग में आ चुकी है। करेक्ट है। इफ एनी आइटम,
इज नॉट नॉट मेंशन इन एजेंडा एंड इट इज एन अर्जेंट मैटर, देन इट कैन बी टेकन इन टू मीटिंग विद द अप्रूवल ऑफ चेयरमैन एंड मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर. एजेंडा मतलब समझते हो कि हम इस चीज पर डिस्कस करने वाले हैं, हम इस चीज पर डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स से मीटिंग बुलाई गई जिसके ऊपर डिस्कशन होगा, एग्जीक्यूटिव के नोट्स के बारे में डिस्कस होगा, एग्जीक्यूटिव के मैराथन लेक्चर के बारे में डिस्कस होगा. ठीक है, ठीक है. लेकिन यार लगता है कि हमको है ना एग्जीक्यूटिव के टेस्ट सीरीज के बारे में भी डिस्कस करना चाहिए. एजेंडा में नहीं था, एजेंडा में नहीं था. मीटिंग बुलाई तब सिर्फ हमने बोला कि भैया नोट्स के बारे में डिस्कशन होगा, मैराथन के बारे में डिस्कशन होगा, लेकिन हमको लगता है कि टेस्ट सीरीज के बारे में भी डिस्कशन होना चाहिए. तो भैया मैं क्या करूंगा, विद द अप्रूवल ऑफ चेयरमैन एंड मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल लेके उसके ऊपर डिस्कशन हम कर सकते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं. तो कोई आइटम ऐसी है जिसको हमने कंसीडर नहीं किया था, बट उस आइटम को हमको अब लेना है, मतलब उस आइटम पे हमें डिस्कशन करना है, तो हम कर सकते हैं चेयरमैन और मेजोरिटी डायरेक्टर का परमिशन लेके. यस, कोरम की बात करें दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करना, कोरम कितना है दोस्तों, तो कोरम शुड बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग. ओके सर, डायरेक्टर शुड प्रेजेंट देमसेल्फ बाय परमिसेबल मोड. नो कोरम नो मीटिंग. कोरम नहीं है तो मीटिंग भी नहीं होगा. कोरम कितना है, 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर. 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर. क्या बोला, सुनो, कोरम कितना है, तो कोरम देखो यार, कोरम ना शुड बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग. थ्रू आउट द मीटिंग जब से स्टार्ट से लेके एंड तक आपको कोरम में प्रेजेंट रहना है. डायरेक्ट अच्छा, परमिसेबल मोड से आ सकते हो आजकल तो, क्या ऑडियो विजुअल मोड भी अलाउड है, तो उससे भी कर सकते हो. अगर कोरम नहीं है तो अटेंडेंस नहीं है, मतलब मीटिंग नहीं है. कोरम है कितना, 1/3 और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर. 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर. अच्छा, इसमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर को ही हम काउंट करेंगे कोरम में, सॉरी इंटरेस्टेड बोल रहा हूं, जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है उसको हम काउंट नहीं करेंगे कोरम में. इंटरेस्टेड डायरेक्टर कैन नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम. सर मॉड्यूल में दिया है, SS1 शल होल्ड एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग इन इंडिया इन केस 1% हेल्ड इन एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग. हाँ बेटा बराबर है पायल, जा जा जा. 4 मीटिंग होनी चाहिए और ओपीसी में 2 मीटिंग होनी चाहिए, मतलब एक मीटिंग होनी चाहिए ना कैलेंडर ईयर, हाफ कैलेंडर ईयर. कार्तिक बैक पेन अभी ठीक है मेरा, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, मुझे ठीक है, अभी बैक पेन मुझे अच्छा है. अच्छा मतलब अभी पेन कम है. हाँ जी बताइए, पहले बताइए कोरम, कोरम क्या थ्रू आउट द मीटिंग होना चाहिए, बोलो जल्दी से, कोरम क्या थ्रू आउट द मीटिंग प्रेजेंट होगा, हाँ या ना, टेल मी यारो, कोरम कैसा होना चाहिए, थ्रू आउट द मीटिंग प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है सर. अच्छा सर, कोरम अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मोड से अगर मैं मीटिंग अटेंड करूं तो मैं कोरम में काउंट होऊंगा, हाँ जी आप कोरम में काउंट होंगे, बिल्कुल आप कोरम में काउंट होंगे. अगर आपकी कोरम ही नहीं है तो वो मीटिंग क्या होगी, इनवैलिड हो जाएगी. कोरम है कितना, है कितना, 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर. 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर, हाँ है ना. अच्छा इसमें ना जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर होते हैं, इंटरेस्टेड डायरेक्टर को हम कोरम में काउंट करते नहीं है, करते ही नहीं है कोरम. अच्छा अभी बात सुनो, समझो कंपनी में 10 डायरेक्टर है, उसमें से साला 9 डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, क्या मीटिंग हो पाएगी, क्या मीटिंग हो पाएगी, क्या 1/3 और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर आ पाएगा, मीटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये तो 9 तो इंटरेस्टेड है तो ये तो कोरम में काउंट होते ही नहीं है. सपोज मीटिंग था फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, सुनना अच्छे से, 10 डायरेक्टर है, बोर्ड मीटिंग ली गई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ व्हाट, कंपनी सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट के लिए बोर्ड मीटिंग ली गई, लेकिन 9 डायरेक्टर उसमें इंटरेस्टेड है, तो क्या बोर्ड मीटिंग हो पाएगी, सीएस का अपॉइंट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे. तो आपने, आप क्या करो, मीटिंग लो, किसके लिए, टू होल्ड जनरल मीटिंग, और जनरल मीटिंग में नए डायरेक्टर अपॉइंट करो जो इंटरेस्टेड नहीं है, नए डायरेक्टर अपॉइंट करो जो इंटरेस्टेड नहीं है, फिर कोरम बनेगा, उसके बाद आप सीएस को अपॉइंट कर सकते हो. सो देखो यहां पे क्या बोला गया है, इफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर आर, इफ 2/3 डायरेक्टर आर इंटरेस्टेड, देन रिमेनिंग डायरेक्टर शैल फॉर्म द कोरम प्रोवाइडेड दे आर एटलीस्ट 2. एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए, एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए. इफ डिस इंटरेस्टेड डायरेक्टर इज लेस देन 2 देन रिजोल्यूशन शैल बी वॉइड. अब डिस इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2 से भी कम है तो वॉइड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा.
तो अब इस सिचुएशन में क्या करें, इस सिचुएशन में क्या किया जाए, आप आंसर करिए। 10 डायरेक्टर है भैया, उसमें से 9 डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, एक ही डायरेक्टर है डिसइंटरेस्टेड है। अब इस सिचुएशन में मैं करूं क्या, कंपनी का मीटिंग है, अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, बोर्ड मीटिंग है, अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अब मुझे आप आंसर बताइए, व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। कोरम थ्रू आउट द मीटिंग प्रेजेंट होना चाहिए बेटा, क्या करना चाहिए। तो आप ये डायरेक्टर मिलके कंपनी सेक्रेटरी तो अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जनरल मीटिंग बुला सकते हैं और उसमें न्यू डायरेक्टर अपॉइंट करवाएंगे जो डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर है। सपोज दो डायरेक्टर को और अपॉइंट कर लिया जो डिसइंटरेस्टेड है, एंड देन फिर कोरम फॉर्म करके हम सीएस को अपॉइंट करेंगे। करेक्ट है क्या बाबू, बढ़िया है क्या, सही बात है क्या। सो क्या बोला गया है, व्हेन कोरम इज नॉट सफिशिएंट देन कंटिन्यूइंग डायरेक्टर कैन एक्ट टू ब्रिंग द कोरम टू द रिक्वेस्टेड नंबर और समन ए जनरल मीटिंग एंड अपॉइंट डायरेक्टर टू मीट द कोरम। या तो डायरेक्टर खुद क्या करेंगे, अपॉइंट कर लेंगे, जैसे एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, या तो जनरल मीटिंग बुलाओ और वहां पे नए डायरेक्टर अपॉइंट कर लो। दो ऑप्शन आपके पास है, दो ऑप्शन आपके पास है। अरे एडजेंट कैसे, अरे बाबू मेरी बात सुनो, सुनो शांति से, सुनो शांति से, सुनो बेटा। 10 डायरेक्टर है उसमें से 9 इंटरेस्टेड है, तो कोरम ही नहीं होगा, मीटिंग ले ही नहीं पाओगे तुम। पहली बात तो मीटिंग ले ही नहीं पाओगे। हमारा काम क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, तो मीटिंग हो ही नहीं पाएगा। तो आप क्या करो ना, पहले बोर्ड मीटिंग लो, उस बोर्ड मीटिंग में या तो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करो जो डिसइंटरेस्टेड हो, जो इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर जनरल मीटिंग होल्ड करवाओ और वहां पे नए डायरेक्टर अपॉइंट करो जो क्या हो, डिसइंटरेस्टेड हो। फिर आपका कोरम होगा और कोरम होने के बाद फिर कंपनी सेक्रेटरी का आप अपॉइंटमेंट कर पाओ। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। फिर बोला है लैक ऑफ कोरम, अगर कोरम नहीं है तो मीटिंग क्या हो जाएगी, एडजर्न हो जाएगी ऑन द सेम डे टाइम एंड प्लेस इन द नेक्स्ट वीक विच इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे। अगर नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए, देखो बोर्ड मीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग, ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग एनी डे, कोई भी दिन हो सकती है। अगर वो नेशनल हॉलीडे भी होगा ना तो भी हो सकता है, नेशनल हॉलीडे को भी हो सकता है, लेकिन एडजर्न बोर्ड मीटिंग सुनना, वो नेशनल हॉलिडे को नहीं होगी। ये ऐसा क्यों बनाया इन्होंने, आई डोंट नो, इसका लॉजिक भी मुझे नहीं समझ में आया। जब आप ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग नेशनल हॉलिडे को ले रहे हो तो एडजर्न बोर्ड मीटिंग क्यों नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो इसका लॉजिक थोड़ा सा वियर्ड मुझे लग रहा है, बट ठीक है, जो दिया है वो तो हमें करना ही पड़ेगा, जो दिया है वो तो हमें करना ही पड़ेगा। विल पावर मोटिवेशन ने पूछा कि सर इंटरेस्टेड डायरेक्टर क्यों कोरम में नहीं आते। यार क्वाइट सिंपल यार, अगर आप कोई काम से काम में इंटरेस्टेड हो, जैसे कंपनी सेक्रेटरी का जो अपॉइंटमेंट हो रहा है ना, वो आपकी वाइफ है, तो आप तो हाँ ही बोलोगे ना, तो आपके डिसीजन का कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन दैट ट्रांजेक्शन। आप तो हाँ ही बोलोगे, आप उसके फेवर में ही बोलोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एडिशनल डायरेक्टर कहां से आया बेटा, बोर्ड मीटिंग होल्ड करके एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो ना आप। ये बात सुनो अच्छे से, ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग कोई भी दिन हो सकती है, लेकिन एडजर्न बोर्ड मीटिंग नेशनल हॉलिडे पे नहीं होगी। ये इसका लॉजिक क्या है यार। सर अगर जनरल मीटिंग में भी अपॉइंट नहीं कर पाए तो वॉइड हो जाएगा। हाँ जी वॉइड हो जाएगा बिल्कुल। अरे बेटा यार ये इधर ही अटक्यो तुम। मैंने बोला इंटरेस्टेड डायरेक्टर 12 डायरेक्टर है, उसमें से 11 डायरेक्टर आर इंटरेस्टेड, सिर्फ एक ही डायरेक्टर डिसइंटरेस्टेड है। तो क्या बोर्ड मीटिंग, अगर और बोर्ड मीटिंग का पर्पस क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ये काम हमें करना है। अब इस अपॉइंटमेंट में 11 लोग इंटरेस्टेड हैं, 11% आर इंटरेस्टेड, तो क्या ये बोर्ड मीटिंग होके कोई मतलब बनता है क्या। सबके सब इंटरेस्टेड ही है तो कोरम में काउंट ही नहीं होगा, तो कोरम ही नहीं होगा। तो अब क्या रेमेडी, क्या करना चाहिए, तो या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या करो, नंबर ऑफ डायरेक्टर इंक्रीज करवाए। अब नंबर ऑफ डायरेक्टर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, या तो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करवा लो, या तो फिर जनरल मीटिंग में जनरल मीटिंग होल्ड करो और न्यू डायरेक्टर अपॉइंट करो, फिर जाके आप मीटिंग लोगे और सीएस को अपॉइंट कर पाओगे। बेटा डायरेक्टर इंटरेस्टेड है कैसे पता चलेगा, सेक्शन 184
डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, खुशी, आई डोंट एक्सपेक्ट, मतलब आई डिडंट एक्सपेक्ट द सच क्वेश्चन फ्रॉम यू बेटा। डायरेक्टर इंटरेस्टेड है ये कहां से पता चलेगा, मतलब आपसे ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। 184 में हमने क्या पढ़ा, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करना है आपका, कहां कहां होल्डिंग है, आपके रिलेटिव कौन है, आप कितने कंपनी में शेयर होल्ड करते हो, आप और कौन सी कंपनी में डायरेक्टर हो, ये सब हमने 184 में डिस्क्लोज किया था। डन, अभी डन, अभी क्लियर है ना, अभी दिक्कत नहीं है ना, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन पूछा है एडजर्न बोर्ड मीटिंग क्या नेशनल हॉलीडे पे हो सकती है, मुझे हाँ या ना में आंसर चाहिए। ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग कोई भी दिन, कैसे नहीं हो सकती सोम्या, दिस इज द प्रोविजन, हो सकती है कोई भी दिन हो सकती है, बोर्ड मीटिंग कोई भी दिन हो सकती है, रात को ले सकते हो, बोर्ड मीटिंग की बात कर रहे हैं या जनरल मीटिंग की बात नहीं कर रहे हैं सोम्या। हाँ, टू डिसइंटरेस्टेड होगा तो चलता था। आंसर इज नो, यस, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, सो नहीं हो सकता, आंसर इज नो। अच्छा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या ऑडियो विजुअल मोड से अगर आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो आप क्या कोरम में काउंट रहोगे, आंसर इज यस, यू आर काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। अगर आप भैया वर्चुअली आ रहे हो, वर्चुअली समझ रहे हो ना, वर्चुअली मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो यू आर काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम, यस, जी हाँ, यू आर काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। नेक्स्ट वन है अटेंडेंट रजिस्टर, तो आपको मेंटेन सेपरेट रजिस्टर, एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, अटेंडेंस रजिस्टर, कितने डायरेक्टर मीटिंग में आए हैं, कितने डायरेक्टर मीटिंग में आए हैं, उसका आपको अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। क्या ये लूजली फॉर्म में हो सकता है, हाँ कोई दिक्कत, लूजली मतलब खुले पन्ने, अरे पन्ने नहीं आते क्या, खुले पेजेस है ना, ऐसे नॉर्मल पेजेस में भी आप मेंटेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। सीरियल नंबर करना पड़ेगा पीरियोडिकली, उसको बाउंड भी करना पड़ेगा, सीरियल नंबर डालना पड़ेगा 1, 2, 3 और उसको बाउंड भी करना पड़ेगा, बाइंडिंग करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम अगर खुले पन्ने में है तो। सर कहां पे रजिस्टर ऑफिस रखना है आपको, रजिस्टर ऑफिस मतलब रजिस्टर अटेंडेंस रजिस्टर कहां रखना है, रजिस्टर ऑफिस में या कोई और प्लेस पे, विद अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर, विद अप्रूवल ऑफ व्हाट बेटा, आपका डायरेक्टर, विद अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर। सो क्या बोला गया है, मेंटेन सेपरेट रजिस्टर, आपको अटेंडेंस रजिस्टर सेपरेट मेंटेन करना है। क्या आप लूज लीफ फॉर्म में कर सकते हो, हाँ जी बिल्कुल लूज लीफ फॉर्म में कर सकते हो। क्या उसको सीरियल नंबर डालना है, हाँ सीरियल नंबर डालते रहना, और ये पीरियोडिकली बाइंडिंग करना बहुत जरूरी है, पीरियोडिकली उसको बाउंड करना बहुत जरूरी है। कहां मेंटेन करते हो, रजिस्टर ऑफिस में मेंटेन करोगे, ठीक है, या अदर प्लेस अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बहुत बढ़िया। मे बी टेकन एट एनी प्लेस वेयर बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड, कहां ले सकते हो, कहां लेके जा सकते हो, जैसे हमारी मीटिंग इस बार कहां है, तमिलनाडु में, तो वहां लेके जा सकते हो अटेंडेंस रजिस्टर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर, ये डायरेक्टर ही इंस्पेक्ट कर सकता है, याद रखना। इवन आफ्टर सीज टू बी अ डायरेक्टर इफ मीटिंग इज हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज डायरेक्टरशिप, मतलब क्या, जब मैं डायरेक्टर था उस टाइम पे जितने भी बोर्ड मीटिंग हुई है उसका मैं इंस्पेक्शन कर सकता हूं रजिस्टर का, भले ही अब मैंने डायरेक्टरशिप छोड़ दी है। एग्जाम्पल से समझो, 10 अक्टूबर को एक बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसमें माननीय श्रीमान श्री 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 108 श्री पूजनीय वंदनीय शुभम अब्बर जी डायरेक्टर है, और 20 अक्टूबर को मैंने रिजाइन कर दिया, फिर 20 दिसंबर को मैं आया, मैंने बोला मेरे को ना जो 10 अक्टूबर को मीटिंग हुई थी ना उसका अटेंडेंस रजिस्टर मुझे इंस्पेक्ट करना है, क्या मैं कर सकता हूं, बताइए क्या मैं कर सकता हूं। क्या मैं कर सकता हूं बताइए, अरे क्या है खुशी, कुछ इंसान ऐसे ही होते हैं, पहले भी ऐसे ही किया था, जो मुझे नहीं है जरूरत, क्या हो गया भैया, क्यों ऐसा करते हो यार। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, हायर बेटा, सौम्य सिंह हायर, लोअर नहीं होगा, हायर होगा बेटा। कक्षा दसवीं, प्लीज यार डोंट डू दिस, यार डोंट डू दिस, यस मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूं, बिल्कुल, माय आंसर इज व्हाट, यस। तो 20 अक्टूबर के पहले की जो बोर्ड मीटिंग है जहां पे मैं डायरेक्टर था, मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूं, बहुत बढ़िया। कितने साल के लिए रखना है ये रजिस्टर, 8 साल के लिए फ्रॉम लास्ट एंट्री, मतलब जिस दिन वो बुक भर जाएगी, अटेंडेंस रजिस्टर पूरा भर जाएगा, उसके बाद 8 साल तक आपको मेंटेन करना है। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, तो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग मतलब चेयरमैन ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का चेयरमैन है ना उसको हम बोर्ड मीटिंग का भी चेयरमैन बना सकते हैं,
और अगर चेयरमैन नहीं है कंपनी के पास, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने अपने ग्रुप में से एक बंदे को चेयरमैन अपॉइंट कर लेंगे। तो बोला जो कंपनी का चेयरमैन है, कंपनी का जो चेयरमैन है वो बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन, कंपनी का मतलब जो जनरल मीटिंग का चेयरमैन है वो आपका बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन हो जाएगा। कितने साल तक? कोई साल नहीं है बेटा, कोई साल नहीं है। कभी भी 10 साल बाद में मुझे लगा ना, अगर वो रजिस्टर मेंटेन है तो मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूं। चेयरमैन ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो चेयरमैन है ना, वो भैया यहाँ पे बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन बन सकता है। और अगर कंपनी के पास अपना कोई चेयरमैन नहीं है, मतलब जनरल मीटिंग में कोई चेयरमैन ही नहीं है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, इलेक्ट देमसेल्फ वन ऑफ एज अ वॉट चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसमें से अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट वन है रिजोल्यूशन पास्ड बाय सर्कुलेशन, इसको समझना। रिजोल्यूशन पास बाय सर्कुलेशन, चार्जेस नहीं लेगी बेटा हर्ष, चार्जेस नहीं लेगी बेटा हर्ष, हर्ष चार्जेस नहीं लगी। चलिए बहुत बढ़िया, रिजोल्यूशन पास्ड बाय सर्कुलेशन, प्लीज फोकस करना, रिजोल्यूशन पास्ड बाय सर्कुलेशन। तो एकदम ये होम डिलीवरी वाला ट्रांजेक्शन है, ये कौन सा है, होम डिलीवरी वाला ट्रांजेक्शन है। मतलब घर बैठे मीटिंग हो गई, घर बैठे मीटिंग हो गई, आपको मीटिंग लेने की जरूरत नहीं है, ना ही फिजिकली ना ही ऑनलाइन मीटिंग लेने की जरूरत है। हमने क्या किया, आपको बैलेट पेपर भेजा, सुनो अच्छे से, घर बैठे यहाँ पे वोटिंग होगी। हमने आपको क्या भेजा भाई साहब, बैलेट पेपर भेजा कि भैया वोट करो वोट करो वोट करो, हमने आपको बैलेट पेपर भेज दिया, ठीक है। आप क्या करोगे, उसको वोट करके फिर से वापस से कंपनी को क्या करोगे, पोस्ट करोगे, उसको बोलते हैं वोटिंग बाय सर्कुलेशन। रीना जी हाउ, अमित पांडे बेटा अभी इस पॉइंट पे हम लोग नहीं जाते हैं, दिस इज नॉट द मेन लेक्चर, कि क्या जरूरत है, करना पड़ेगा बिकॉज लॉ में लिखा हुआ है, ठीक है, उस तरीके से पढ़िए। अभी क्यों करना है ये जानने का अब टाइम नहीं है बेटा अपने पास। चलिए सो क्या होगा, सबसे पहले रिजोल्यूशन पेपर सर्कुलेटेड टू ऑल द डायरेक्टर एज वेल एज कमिटी मेंबर इन इंडिया, जो इंडिया में है उनको सबको, डायरेक्टर को क्या दिया जाएगा, सर्कुलेशन दिया जाएगा। सेंड ड्राफ्ट रिजोल्यूशन बाय फॉलोइंग मीन्स, कैसे भेज सकते हो, स्पीड पोस्ट से, कुरियर से, इलेक्ट्रॉनिक मोड से, बराबर। रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर, रिजोल्यूशन कैसे पास होगा, बाय द मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। सो देखो आराम से सुनो अच्छे से, फोकस करो बेटा, प्लीज मस्ती मत करो यार, क्या बहुत इजी चैप्टर है यार ये, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। क्या बोला गया, रिजोल्यूशन पास्ड बाय सर्कुलेशन मतलब होम डिलीवरी हो रही है, होम डिलीवरी मतलब घर बैठे रिजोल्यूशन पास हो रहा है, घर बैठे क्या हो रहा है भाई साहब, रिजोल्यूशन पास हो रहा है। तो आपको क्या किया जाएगा, रिजोल्यूशन पेपर पहले सर्कुलेट किया जाएगा, सबको रिजोल्यूशन पेपर दिए जाएंगे। सर दे दिए रिजोल्यूशन पेपर, फिर कैसे दे सकते हो, ड्राफ्ट रिजोल्यूशन कैसे सेंड कर सकते हो, स्पीड पोस्ट से, या फिर कुरियर से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से, थम्स अप सर। रिजोल्यूशन मस्ट बी पास बाय वॉट, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर, रिजोल्यूशन कितने लोगों ने पास करना है, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर ने रिजोल्यूशन पास करना है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग है ना अड़ गए, बोले नहीं नहीं हमको तो फिजिकल करने में मजा है, बोले ये घर बैठ के मजा नहीं आता, बोले फिजिकल करेंगे तो ही मजा आएगा। तो 1/3 डायरेक्टर ने, अगर 1/3 डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट किया है कि मीटिंग होनी चाहिए, तो भैया चेयरमैन शैल पुट द रिजोल्यूशन एट द मीटिंग ओनली। अगर 1/3 डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट किया है कि भैया मीटिंग ही होनी चाहिए, नहीं चलेगा, मीटिंग ही होनी चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, मीटिंग ही होनी चाहिए। अगर 1/3 डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट किया है, क्या किया भाई साहब, रिक्वेस्ट किया है 1/3 डायरेक्टर ने, उस केस में आपको मीटिंग ही लेना पड़ेगा, सर्कुलेशन सर्कुलेट करके काम नहीं चलेगा, फिजिकल मीटिंग होनी चाहिए। ओके सर, फिर बोला है, अच्छा अगर हमने रिजोल्यूशन पास बाय सर्कुलेशन किया है, ठीक है, तो वो सब्सिक्वेंट मीटिंग का पार्ट बनेगा, मेड पार्ट ऑफ द मिनट्स ऑफ सच मीटिंग। मतलब वो कौन से मिनट बुक में लिखा जाएगा, अगली जो मीटिंग होगी ना उसके मिनट बुक में उसको लिखा जाएगा, क्योंकि ये तो मीटिंग हुई नहीं, तो वो अगली मीटिंग का पार्ट माना जाएगा। रिजोल्यूशन पास हो गया, लेकिन अगली मीटिंग के मिनट्स में लिखेंगे कि भैया पिछले बार हमने सर्कुलेशन से कोई रिजोल्यूशन पास किया है। आपको रिस्पॉन्ड कितने दिन के अंदर देना है, विद इन 7 डेज फ्रॉम द सर्कुलेशन ऑफ ड्राफ्ट, 7 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्ड करना है, मतलब आपका असेंट या डिसेंट, मतलब आपका हां या ना जो भी होगा वो 7 दिन के अंदर देना है, 7 दिन के अंदर देना है, ठीक है सर। अच्छा इफेक्टिव डेट, किस दिन से रिजोल्यूशन पास होगा माना जाएगा, तो लास्ट डेट ऑफ साइनिंग असेंट हैज बीन रिसीव्ड और डेट ऑन विच असेंट इज रिसीव्ड बाय मेजोरिटी। अब यार इस क्वेश्चन पे देखो ना, एकदम कंपनी में 10 डायरेक्टर है, सुनना अच्छे से, हमने 1 जनवरी को ना भेज दिया, ठीक है, 3 जैन को 2 डायरेक्टर ने हां बोल दिया, 4 जैन को 2 डायरेक्टर ने ना बोल दिया,
फिफ्थ को फिर से दो डायरेक्टर ने हाँ बोल दिया, ठीक है, सिक्स्थ को दो डायरेक्टर ने ना बोला और सेवेंथ को दो डायरेक्टर ने हाँ बोल दिया। मुझे बताइए रिजोल्यूशन कब से इफेक्टिव होगा? चलो यहां पे ना थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, सिक्स्थ को दो डायरेक्टर ने हाँ बोल दिया, रिजोल्यूशन कब से इफेक्टिव होगा? 1 जनवरी के बाद 7 दिन तक वोट कर सकते हो, मतलब 8 जनवरी तक वोटिंग ओपन है। और अब मेजोरिटी डायरेक्टर का अप्रूवल कब मिल गया? यहां पे दो लोगों ने हाँ बोला, यहां पे दो लोगों ने हाँ बोला, यहां पे दो लोगों ने हाँ बोला, क्या 6 लोगों का अप्रूवल 6 तारीख को ही आ गया? और 6th of Jan विच एवर इज अर्लियर, तो अर्लियर मतलब क्या? 6 जनवरी। अब यार बाकी लोगों का वोट लेके मतलब ही नहीं है ना, एक चीज समझो, एक चीज समझो बेटा, बाकी लोगों का वोट लेके मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेजोरिटी का वोटिंग मिल चुका है। एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं, एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। समझो फर्स्ट जैन को हमने क्या किया, पेपर भेजे, 10 डायरेक्टर थे। सेकेंड जैन को ही 7 डायरेक्टर का हाँ आ गया, तो क्या अब आगे और दिन रुकने की जरूरत है? या 7 जनवरी को ही डिक्लेयर कर देंगे, 2 जनवरी को ही डिक्लेयर कर देंगे कि भाई रेजोल्यूशन पास हो गया? वेट करना चाहिए, वेट करोगे तो भी क्या मतलब है ना। अब बाकी लोगों ने ना भी बोल दिया तो भी रेजोल्यूशन तो पास हो गया ना। तो सेकेंड को ही हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, ऐसा मान लेंगे कि रेजोल्यूशन पास हो चुका है। सेकेंड को ही हम मान लेंगे कि रेजोल्यूशन क्या हो चुका है बेटा, आपका पास हो चुका है। सेकेंड को ही हम लोग मान लेंगे। सो देखिए यहां पे क्या बोला है, लास्ट डेट ऑफ साइनिंग है ना, हैज बीन रिसीव्ड, और डेट ऑन विच असेंट इज रिसीव्ड बाय मेजोरिटी। इफेक्टिव डेट कब होगा? या तो लास्ट डे, या तो उसके पहले अगर मेजोरिटी ने अप्रूवल दे दिया तो वो दिन, तो वो दिन। सेकेंड जैन, बहुत बढ़िया। लास्ट पॉइंट है इसका मिनट्स, तो मिनट्स कितने दिन के अंदर प्रिपेयर करना है? 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर मिनट्स क्या करना है आपको, प्रिपेयर कर देना है। प्रोसीजर देखना, सबसे पहले शैल प्रिपेयर साइन एंड कीप मिनट्स ऑफ मीटिंग। देखो जिस दिन मीटिंग हुई उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको ड्राफ्ट मिनट्स भेजने हैं सारे डायरेक्टर को। क्या भेजने हैं बोलो? ड्राफ्ट मिनट्स भेजने सारे डायरेक्टर को। अब वो जो डायरेक्टर है उनको जैसे ही मिला तो वो 7 दिन के अंदर अंदर, उसके 7 डेज के अंदर अंदर वो अपना क्या देंगे? कंफर्मेशन देंगे या अपनी कमेंट देंगे। सो देखिए जिस दिन बोर्ड मीटिंग हुई है, प्रोसीजर देखिए, जिस दिन बोर्ड मीटिंग हुई है उसके 15 दिन के अंदर अंदर, 15 डेज के अंदर अंदर आपको ड्राफ्ट बना लेना है, ठीक है? और ड्राफ्ट किसको सेंड करना है? ऑल डायरेक्टर को। जैसे ही आपने सारे डायरेक्टर को ड्राफ्ट भेजा, उसके विद इन 7 डेज, उसके 7 दिन के अंदर अंदर उनका क्या आएगा? कमेंट आएगा या उनका अप्रूवल आ जाएगा। और यहां से बोर्ड मीटिंग से लेके 30 डेज के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर उसकी एंट्री हो जानी चाहिए कहां पे? मिनट बुक में। सो मिनट बुक के अंदर एंट्री कितने दिन के अंदर हो जानी चाहिए? 30 दिन के अंदर। बट प्रोसीजर क्या है 30 दिन के अंदर एंट्री हो जानी चाहिए, बट प्रोसीजर क्या है? तो जिस दिन मीटिंग हुई उसके विद इन 15 डेज में ड्राफ्ट बनाऊंगा और सारे डायरेक्टर को भेज दूंगा। डायरेक्टर उसके ऊपर कमेंट देंगे कितने दिन के अंदर? 7 डेज के अंदर। और टोटल मिला के बोर्ड मीटिंग के 30 डेज के अंदर अंदर आपकी एंट्री मिनट बुक के अंदर होनी चाहिए। और मिनट बुक का एंट्री कौन करेगा? आपका मिनट बुक का एंट्री कौन करता है? तो कंपनी सेक्रेटरी एंट्री करता है, ठीक है सर? एंट्री इन मिनट बुक एंड साइन बाय द चेयरमैन विद इन 30 डेज फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग हुई उसके 30 दिन के अंदर चेयरमैन साइन कर देगा और मिनट बुक के अंदर एंट्री हो जानी चाहिए, मिनट बुक के अंदर एंट्री हो जानी चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कौन सा चेयरमैन? या तो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग साइन करेगा, और अगर चेयरमैन है ही नहीं तो चेयरमैन ऑफ नेक्स्ट मीटिंग क्या करेगा? उसको साइन करेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कैन कंपनी सेक्रेटरी साइन द मीटिंग मिनट सॉरी कैन कंपनी सेक्रेटरी साइन द मिनट्स? क्या आपका कंपनी सेक्रेटरी मिनट्स को साइन करेगा? क्वेश्चन आया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। कैन कंपनी सेक्रेटरी साइन द मिनट्स? आंसर इज नो, आंसर इज नो, कंपनी सेक्रेटरी नहीं करेगा बेटा। तो रिजोल्यूशन होगा? नहीं होगा बेटा अंशु, अंशु नहीं होगा बेटा, ठीक है? ऑल पेजेस इनिशियल एंड लास्ट पेजेस टू बी साइन एंड डेटेड, परमानेंटली प्रिजर्व करना पड़ेगा। और ये किसके कस्टडी में होते हैं मिनट्स? किसके कस्टडी में होंगे? तो ये मिनट्स किसके कस्टडी में होंगे बेटा? आपके मिनट्स कस्टडी में होंगे बेटा आपके
कंपनी सेक्रेटरी के कस्टडी में होंगे, कंपनी सेक्रेटरी के कस्टडी में होंगे, दिस इज व्हाट बेटा आपका मिनट्स वाला। चलिए वेरी गुड बेटा, डन क्या, एकदम इजी सा चैप्टर था। एक और चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से खत्म कर लेते हैं, 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, है ना, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट लगेंगे बेटा। मैक्स टू मैक्स 15 मिनट लगेंगे बेटा। क्या हो गया, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट लगेंगे। अच्छा स्टोरी बताऊं आपको, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, स्टोरी बताता हूँ, चलो स्टोरी बताता हूँ आपको क्या है। एक्चुअली हुआ यूं, अरे यार एक मिनट, स्टोरी बताता हूँ आपको क्या हुआ। अब मैं नाम नहीं बताता हूँ, सिर्फ नाम नहीं बताता हूँ, ठीक है। स्टोरी ये हुआ, अभी जो मैं फ्लैट पर रह रहा हूँ ये रेंट पे है, क्योंकि जो मेरा फ्लैट है वहाँ पे, जो अपना फ्लैट है, अपना है मतलब तुम भी आ सकते हो रहने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपना जो फ्लैट है ना, अपना जो फ्लैट है ना, वो बेसिकली उस पर कुछ काम चल रहा है, काम चल रहा है मतलब ये चल रहा है, क्या बोलते हैं, फर्नीचर वगैरह काम चल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे रेंट पे लिया हुआ ये फ्लैट, ये फ्लैट रेंट पे है, रेंटेड है, ठीक है। तो अब रेंट पे है तो मैंने उसको नोटिस दिया हुआ कि भैया अगले महीने में मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि अपना काम हो जाएगा अगले महीने में, फर्नीचर वगैरह हो जाएगा, इंटीरियर वगैरह, तो मैं बोला मैं छोड़ दूंगा अगले महीने। तो अभी वो लैंडलॉर्ड क्या कर रहा है ना, लैंडलॉर्ड क्या कर रहा है ना दोस्तों, यस मानसी बराबर है, तो लैंडलॉर्ड क्या कर रहा है ना, उसने अभी कहीं एड वगैरह दी होगी, तो लोग देखने आ रहे हैं, लोग क्या आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं फ्लैट को। अब किस्सा ऐसा हुआ, बताता हूँ कि एक वन ऑफ माय रूममेट, सागर नहीं था एक्चुअली, सागर भी नहीं था, किशोर भी नहीं था, वन ऑफ माय रूममेट, वो वॉशरूम में बैठा था, और एक एक वॉशरूम में प्रॉब्लम क्या है ना, अंदर से लॉक नहीं होता है वो, है ना, लैश लॉक है, खींच दो तो वो हो जाता है, लेकिन अंदर से लॉक होता नहीं है वो अंदर से जब हम प्रेस करते हैं ना, वो प्रेस करते हैं ना, वो राउंड वाला लॉक होता है, प्रेस करना पड़ता है, वो होता नहीं, वो थोड़ा खराब हुआ है। सीएस कोई भी मिनट्स को साइन नहीं करता है बेटा, सीएस कोई भी मिनट्स को साइन नहीं करता है बेटा। तो क्या होता है मतलब, तो अंदर से लॉक नहीं है। अब यार हम तो लौंडे लौंडे रहते हैं, हम तो सब लड़के लड़के रहते हैं, तो क्या फर्क, अब पता ही है अगर कोई अंदर है तो कोई ऑब्वियसली बात है नहीं अंदर जाएगा ना, है ना। तो अब क्या हुआ, देखने आए हुए थे फ्लैट, देखने आए हुए थे, और वो बंदा वीडियो निकाल रहा है, वो बंदा क्या कर रहा है, वीडियो निकाल रहा है फ्लैट का, ठीक है, फ्लैट का वीडियो निकाल रहा है। तो उसने फ्लैट का वीडियो वगैरह निकाला, और सागर ने मना किया था कि सर वॉशरूम में कोई है, अंदर मत जाना। अब बंदे को लगा कि अंदर के वॉशरूम में कोई है, उसने वॉशरूम खोला, वीडियो निकाल रहा है, अंदर हमारा भैया रूममेट बैठा हुआ है, अंदर हमारा रूममेट बैठा हुआ है, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, अंदर रूममेट बैठा हुआ है, वीडियो निकल गया, ओ सॉरी 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 करता है। अरे मैंने सागर ने बोला, अरे सर मैंने बताया था ना कि अंदर मत जाओ करके, ए भगवान, ओ भाई वीडियो निकल गया भैया, वायरल हो सकता है ये वीडियो, है ना, ये वायरल हो सकता है वीडियो, बता रहा हूँ मैं आपको। सो खतरनाक किस्से हो जाते हैं कभी कभी, किस्से एक से एक है। तो ऐसे किस्से हो जाते हैं यार, अभी क्या है ना, तो अरे बहुत मजा आया भाई, इतना हंसा होगा मैं, इतना हंसा होगा, ओ हो, पेट पकड़ पकड़ के हंसा होगा मैं। सोचो अगर ये वीडियो वायरल हो जाए तो कितना चलो आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल मीटिंग लेनी है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पहले तो मीटिंग रूम होना चाहिए। ओहो भाई साहब, हमको तो मालूम ही नहीं था मीटिंग रूम होना चाहिए, ओहो हमको तो पता ही नहीं था कि मीटिंग रूम होना चाहिए, है ना, सबसे पहले तो मीटिंग रूम होने चाहिए, ओके सर। सॉफ्टवेयर होने चाहिए, ओके सर। हाई क्वालिटी माइक सिस्टम होना चाहिए। हार्डवेयर इक्विपमेंट होने चाहिए, जैसे मॉनिटर, एलईडी स्क्रीन वगैरह। प्रोजेक्टर होना चाहिए। लीज लाइन मतलब इंटरनेट कनेक्शन, लीज लाइन मतलब इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, लीज लाइन मतलब इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। फिर बोला हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। वर्चुअल बोर्ड मीटिंग, यार ये बात समझना, इससे क्वेश्चन बन सकता है। अब क्वेश्चन किससे बन सकता है ये मैं बता रहा हूं आपको, या तो इससे क्वेश्चन बनेगा, बस दो ही चीजों से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले वर्चुअल बोर्ड मीटिंग, क्या बोर्ड मीटिंग वर्चुअली हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सो एनी डायरेक्टर में पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से पार्टिसिपेट कर सकता है।
सर आपके लाइफस्टाइल के बारे में बताओ। देखो यार, हम ना अब हॉस्टल पे रहे हुए बंदे हैं, तो हॉस्टल पे रहे हुए लोग जो है ना, वो थोड़े से ना, तो पर्सनली यार मैं, मुझ में ये कमी है कि मैं इतना केयर नहीं करता हूँ चीजों का। पड़ी है ऐसे ही पड़ी हुई, अभी जैसे मेरी कार है, तो मेरी कार अभी कुछ 2 महीने के अंदर, तो 3 4 महीने पहले लिया था, 20,000 किलोमीटर चल गई है, 20,000 किलोमीटर चल गई। उसमें से हार्डली मैंने 5,000 किलोमीटर चलाई होगी। 15,000 किलोमीटर अपने यारों दोस्तों हैं, दोस्ती यारी में अपनी, आज भी अभी मेरे पास पिछले 10 दिन से मेरे पास कार नहीं है, मेरी कार ही नहीं है पिछले 10 15 दिन से मेरे पास कार ही नहीं है घर की। आज मुझे घर पे जाना है इसलिए कार मंगवाई है कि भैया ला के दो कार, और उनको इंस्ट्रक्शन दिया खास, क्योंकि पप्पा को कार चाहिए कुछ दिन के लिए, पप्पा को कहीं जाना है, तो मैंने खास इंस्ट्रक्शन दिया दोस्तों को कि भाई साहब कार में कोई भी ऐसी आपत्तिजनक वस्तुएं ना रखिए, है ना, जिससे मेरा घर में आना जाना बंद हो जाए। तो ऐसी आपत्तिजनक वस्तुएं अगर होगी तो उसको प्लीज निकाल दीजिए। थोड़ा सा, और हॉस्टल के पता ना, हॉस्टल में लाइफ कैसी होती, थोड़ी रिलैक्स होती है यार, तो कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं, जूते चप्पल ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है, थोड़ा सा अब पता मेसी टाइप ऑफ पर्सन हूं मैं, मतलब हो जाता है यार अभी, मतलब आदत नहीं है, सुधारनी पड़ेगी, बट सुधारनी पड़ेगी, मतलब यू नो व्हाट, हॉस्टल में होता है ऐसा यार अभी, ठीक है ना। और हम लोग थोड़ा, मैं थोड़ा पर्सनली थोड़ा ज्यादा कैजुअल हूँ, है ना, इसलिए मुझे बहुत गाली पड़ती है, बहुत ज्यादा गालियां पड़ती है। लेकिन हाँ, अब मेरे किस्मत इतने अच्छे हैं ना, मैं हमेशा, मैं मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मुझे जो चाहा है मैंने उससे मुझे ज्यादा ही मिला है ना, ज्यादा ही मिला है। मतलब मेरा ध्यान रखने वाले लोग बहुत हैं, जैसे सिंपल मैम आशीष सर के भाई बहुत ध्यान रखते हैं यार, बहुत केयर करते हैं मेरी, मतलब बहुत केयर करते हैं, बताओ, बता रहा हूँ मैं आपको, आशीष सर खतरनाक, मतलब कार खरीदने से लेके, कार का मतलब हर चीज, मेरा घर खरीदने से लेके, घर के अंदर का काम करवाने से लेके, एवरीथिंग टेक केयर आशीष सर या मैम कर लेते हैं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे घर का लोन करवाना था ना, बिलीव मी, मैं तो सिर्फ साइन करने के लिए गया हूँ, बाकी डॉक्यूमेंट रेडी कर दिए सब मैम ने, लोन वाले से बात कर ली आशीष सर ने, ठीक है, सब कुछ उन्होंने कर दिया भैया, खत्म। इतना इतना इतना, मतलब अभी आपकी इसमें ले लो यार, अब मैं थोड़ी छोटी मोटी हरकतें करता हूँ, कभी लेट आता हूँ, है ना, लेक्चर को कभी लेट आ जाता हूँ, कभी थोड़ा लेट हो जाता है मुझे, तो आप लोग समझ लेते हो ना यार, आप लोग भी इतना प्यार करते हो मुझसे, है ना, आप लोग समझ जाते हो कि चलो सर यार अपने अपनापन सा लगता है। और कल आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इतनी खुशी हुई ना लेक्चर लेने के बाद, मतलब मैं सारा दर्द भूल गया हूँ, मतलब जो मुझे दर्द हो रहा था, जो मुझे पेन हो रहा था ना, मैं सब भूल गया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था लेक्चर लेने के बाद, मतलब आई एम फीलिंग लाइक एकदम मैं फ्रेश हो गया लेक्चर लेने के बाद, कि चलो एक और लेक्चर ले लेता हूँ, एक और लेक्चर ले लेता हूँ, इतना फ्रेश हो गया मैं। दूसरा, अपने भाई साहब, अपने मोदी सर इतना प्यार करते हैं भैया, अपने इतना प्यार करते हैं कि क्या बताऊं मैं आपको, मतलब नजर ना लगे भैया हमसे, है ना, नजर ना लगे, बहुत 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 प्यार करते हैं यार, मतलब बहुत केयर करते हैं वो भी और मैं भी, मतलब हम दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं। एंड देखो यार, एक चीज समझो, कितना कितना प्यारा रिश्ता है हम लोगों का, मतलब यूनिक के सारे फैकल्टी का रिश्ता कितना प्यारा है, सौमिल सर ले लो, पुष्कर सर ले लो, मोदी सर ले लो, आशीष सर ले लो, इतनी जबरदस्त बॉन्डिंग है ना, इतनी जबरदस्त बॉन्डिंग है ना, मैं क्या बताऊं। आज मोदी सर और मुझे साथ में काम करते हुए अराउंड 5 साल हो गए, 2016 में उन्होंने ज्वाइन किया था समझ लो, 2015 में मैंने स्टार्ट किया था, 2016 में उन्होंने ज्वाइन किया था, 2016 से लेके आज 2021 है, हम सब्जेक्ट भी आधा आधा पढ़ा लेते हैं, ठीक है, मतलब कुछ वो पढ़ा लेते हैं, कुछ मैं पढ़ा लेता हूँ, मेरा सब्जेक्ट वो पढ़ा लेते हैं, उनका सब्जेक्ट मैं पढ़ा लेता हूँ, लेकिन आज टच वुड भैया, टच वुड, टच वुड, आज तक भाई साहब कभी ऐसा नहीं हुआ लाइफ में कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आए होंगे। एक होता ना कि भैया चलो ठीक है हम एडजस्ट कर लेते हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आते हैं लेकिन फिर भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया, मतलब भगवान की दया है, हम दोनों लॉ पढ़ाते हैं, हम दोनों सीएस हैं और दोनों लॉ पढ़ाते हैं, कभी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे लगा होगा यार मोदी सर यार आपने ये बात गलत बोल दी, या उनको लगा होगा माइट बी कि सर आपने ये गलत गलत बोल दिया, अगर कभी नहीं, कभी नहीं, इतना प्यारा रिश्ता है, इतना प्यारा रिश्ता है कि मतलब मैं क्या बताऊं। भगवान स्वामी सर यार जोरदार, मतलब कभी ऐसा डिस्प्यूट वाले के चांसेस नहीं होते हैं, कभी भी उनको कुछ पूछना होता है या कुछ भी उनको गाइडेंस चाहिए रहता है वो पहले फोन करते हैं, और मुझे भी कुछ एडवाइस चाहिए रहती है तो मैं पहले उनको फोन कर देता हूँ, इतना प्यारा रिश्ता है ना कि हमारा, हम क्या ही बोले करके, हम क्या ही बोले करके। और मोदी सर से कुछ थोड़ा ज्यादा अटैचमेंट है, मतलब स्वामी सर भी उतना ही अटैचमेंट है, लेकिन मोदी सर हम लोग ज्यादा साथ में रहे ना, लेक्चर्स जब फेस टू फेस बैच में लेक्चर्स होते थे तो हम दिन दिन भर साथ में रहते थे, रात रात भर 2 2 बजे तक भाई साहब रिकॉर्डिंग करते रहते थे हम लेक्चर का,
आप बिलीव नहीं करोगे, 2-2 बजे तक हम लोग लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग करते रहते हैं यार। 2018 में अपने सब्सक्राइबर क्या थे, यूट्यूब के सब्सक्राइबर क्या थे अपने, 7-8 हजार सब्सक्राइबर थे। 2018 की बात करूं मैं, 18 भी नहीं, 2019 की मैं बात करूं तो 7-8 हजार सब्सक्राइबर थे अपने यूट्यूब के। आज 50,000 को हम टच कर रहे हैं, और जो तो हमने कभी प्रमोशन नहीं किया किस चीज का कि भैया यूट्यूब पे एड वीड चला रहे हैं। अभी अभी थोड़ा थोड़ा मार्केटिंग चालू की, हम मार्केटिंग करते ही नहीं थे, बट आज 50,000 सब्सक्राइबर टच हो गए। इतनी बड़ी फैमिली हमारी हो गई है, इतनी बड़ी हमारी फैमिली हो गई है करके, इतना प्यार आप लोगों ने दिया ना, भगवान कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कंपनी लॉ की कसम, मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा होगा कि मुझे इतना प्यार मिलेगा। और जितना प्यार आप लोग देते हो ना, मम्मी कसम बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, दिल से, मतलब तहे दिल से, मैं हमेशा बोलता हूँ तहे दिल से शुक्रिया भैया। मुझे नहीं लगता मैं इतना डिजर्व करता था या करता हूं जितना आप लोगों ने प्यार दिया है, मतलब सच में, मतलब जेन्युइनली। अब आप लोग लेक्चर देख रहे हो इसकी वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये बात है ही नहीं, है ना। मैं जो भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, मुझे चिकनी चुपड़ी बातें करना नहीं आती है, जो बात दिल में है वो बात मैं बयां कर देता हूँ। तो बिलीव मी, मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है ना मुझे कि मैं इतना डिजर्व करता हूँ जितना प्यार तुम लोगों ने दिया है। मतलब भैया हाथ जोड़ के सर झुका के थैंक यू सो मच, हाथ जोड़ के और सर झुका के थैंक यू सो मच। चलिए अभी बहुत होगी बातें, अब बहुत बातें हो गई भाई साहब, चलो 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 चलो, बहुत बातें हो गई, बहुत प्यार प्यारी भरी बातें होगी, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। चलिए वर्चुअल मीटिंग स्टार्ट करें। अब वर्चुअल बोर्ड मीटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट करना। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्चुअल बोर्ड मीटिंग, अगर मैं वर्चुअल बोर्ड मीटिंग की बात करूं दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करना, तो क्या आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकते हो? आंसर इज येस, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप बोर्ड मीटिंग 100% अटेंड कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक सुनना अच्छे से, इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप बिल्कुल बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकते हो। क्या आपको नोटिस सारे डायरेक्टर को देनी पड़ेगी? हाँ, इन्फॉर्म द डायरेक्टर अबाउट द ऑप्शन ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जब आप नोटिस दो ना तो उनको बताओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, डायरेक्टर को बताओ। तो डायरेक्टर ने प्रायर इंटीमेट देना है कि भैया चेयरमैन को या तो कंपनी सेक्रेटरी को, हम तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से मीटिंग अटेंड करेंगे, हम नहीं आएंगे फिजिकल मीटिंग अटेंड करने, हम तो घर बैठे मीटिंग लेंगे, घर बैठे मीटिंग लेंगे हम लोग। तो क्या बोला है, वर्चुअल बोर्ड मीटिंग की अगर हम बात करें, वर्चुअल मीटिंग की अगर हम बात करें दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करना। सो एनी डायरेक्टर मे पार्टिसिपेट थ्रू व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप अटेंड कर सकते हो। तो जब नोटिस भेजी जाएगी ना मीटिंग की, नोटिस 7 दिन पहले, उस नोटिस में स्पेसिफाई करना है कि वर्चुअल का ऑप्शन अवेलेबल है, वर्चुअल बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का ऑप्शन अवेलेबल है। डायरेक्टर शल प्रायर इंटीमेट टू चेयरमैन और कंपनी सेक्रेटरी, जो डायरेक्टर वर्चुअली अटेंड करना चाहता है ना, वो चेयरमैन को और कंपनी सेक्रेटरी को प्रायर बताएगा। चेयरमैन क्या करेगा, सुटेबल अरेंजमेंट करेगा। अच्छा डायरेक्टर स्टार्टिंग में, साल के स्टार्टिंग में सुनना अच्छे से, स्टार्ट ऑफ द कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर के स्टार्टिंग में बोल सकता है डायरेक्टर कि भैया मैं वर्चुअल मीटिंग से ही, मैं वर्चुअल मीटिंग अटेंड करूंगा पूरे साल भर के लिए, शैल बी वैलिड फॉर अ ईयर। कैलेंडर ईयर के लिए जितनी भी मीटिंग होगी ना, मतलब मैं साल के स्टार्टिंग में अगर बता दूं ना कि मैं सारी मीटिंग जो है ना वर्चुअली अटेंड करूंगा, चलेगा। अगर मैं स्टार्टिंग में बता दूं, अगर मैं स्टार्टिंग में बता दूं, सुनना जैसे, अगर मैं स्टार्टिंग में बता दूं ना, अगर मैं स्टार्टिंग में बता दूं ना भैया कि मुझे वर्चुअल मीटिंग अटेंड करनी है, मुझे वर्चुअली मीटिंग अटेंड करनी है, तो उस कैलेंडर ईयर के लिए वो वैलिड होगा। सर जो डायरेक्टर वर्चुअली अटेंड करता है वो कोरम में काउंट होगा? यस, कोरम में काउंट होगा। अटेंडेंट रजिस्टर को हम मान लेंगे कि तूने साइन कर दिया, डीम टू बी साइन। अच्छा सुनो, मैंने बोला था मैं वर्चुअल बोर्ड मीटिंग अटेंड करूंगा, लेकिन मेरा मन हुआ फिजिकल अटेंड करने का, तो क्या मैं अटेंड कर सकता हूं? मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया नहीं नहीं मैं तो वर्चुअली अटेंड करूंगा, नहीं मैं तो वर्चुअली आऊंगा, लेकिन बाद में मेरा मन किया कि मुझे फिजिकली भी अटेंड करनी है, तो कैन आई डू सो? मैं कर सकता हूं, बताइए जल्दी से। बताइए नीलाक्षी जी, बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे यार, अटेंड कर सकते हैं, बताइए। मोनिका क्या लिख रही है वे, कर सकते हैं क्या? यस बिल्कुल कर सकते हो आप, भले आपने ऑनलाइन का बोला था लेकिन फिजिकली आप अटेंड कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे मैटर है जो आप भैया वर्चुअली डिसाइड नहीं कर सकते, उसके लिए मीटिंग लेनी पड़ेगी। मैटर नॉट टू बी डेल्ट विद मीटिंग इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग नहीं ले सकते, उसके लिए फिजिकल मीटिंग लेनी पड़ेगी। मेमोरी टेक्निक दी है मैंने, ए बी सी डी पी, ए बी सी डी पी, ए बी सी डी पी, ए फॉर व्हाट, अप्रूवल ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करने के लिए जो बोर्ड मीटिंग हुई ना, वो फिजिकली लेनी पड़ेगी।
बिफोर वॉट बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट को अप्रूव करने के लिए जो मीटिंग हुई ना वो भी फिजिकली लेनी पड़ेगी. सी फॉर कमिटी मीटिंग फॉर कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट कमिटी मीटिंग. सी फॉर कमिटी, विच कमिटी, ऑडिट कमिटी मीटिंग फॉर कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके लिए भी फिजिकल मीटिंग लेनी पड़ेगी. डी फॉर डी मर्जर, मर्जर एक्विजिशन टेक ओवर, और पी फॉर अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, पी फॉर प्रोस्पेक्टस. ए बी सी डी पी. सर वर्चुअल मीटिंग अटेंड करने के लिए भी सिटिंग फीस मिलती है अगर आर्टिकल प्रोवाइड करता है तो. अब इसमें कंपनी सेक्ट ने तो कुछ बोला नहीं, कंपनी सेक्ट ने बोला मीटिंग में आपको सिटिंग फीस मिलेगा तो देनी चाहिए, अगर आर्टिकल ने मना किया तो नहीं मिलेगा, बाकी मिलेगा मिलेगा. तो ये कुछ चीजें ऐसी है, ये कुछ चीजें ऐसी है जो आप फिजिकली लोगे. ए बी सी डी पी. ए फॉर व्हाट, अप्रूवल ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बी फॉर व्हाट, अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट. सी फॉर कमिटी मीटिंग फॉर कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट कमिटी मीटिंग. डी फॉर व्हाट, डी मर्जर, मर्जर एक्विजिशन टेक ओवर. एंड लास्ट वन, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस. चलिए बहुत बढ़िया. वर्चुअल जनरल मीटिंग की अगर हम बात करें, कुछ एडवांटेजेस हैं. जनरल मीटिंग अगर वर्चुअल हो गई तो भैया शेयर होल्डर का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा ट्रेवलिंग में, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग मीटिंग कम हो जाएगा, कंपनी का टाइम सेव हो जाएगा. लेकिन डिफिकल्टीज क्या है, डिफिकल्टीज क्या है भैया, इतना सिस्टम हमारा अभी तक स्ट्रांग नहीं है. आज मुझे बताइए आपका सीबीएसई का एग्जाम क्यों वर्चुअली नहीं हो रहा है, क्यों घर बैठे नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है अभी तक कि हर बच्चा एग्जाम दे पाए घर पे. हमारा इंटरनेट इंटरनेट सिस्टम इतना तेज नहीं है अभी तक, ठीक है. सेकेंड वन, स्ट्रीमिंग विद क्वालिटी विदाउट इंटरप्शन, है ना. आपने वो देखा होगा वीडियो के अंदर बीच में आता है 40% लोडिंग, 50% लोडिंग, ऐसा करके. कौन से वीडियो पे, अबे बेशर्मो, कोई भी वीडियो पे 40-50% आता है, नालायक लोग, कहीं के गंदे लोग. तो क्वालिटी विदाउट इंटरप्शन, है ना. इंटरप्शन होता है ना यार, अभी आप लेक्चर्स देखते हो, कभी कोई बोलता है अरे सर नेट नहीं चल रहा है, सर क्लियर नहीं दिख रहे हो, सर आवाज नहीं आ रही है, सर 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 बिल्कुल दिख नहीं रहा है, सर सर थोड़ा सा सर आवाज बढ़ाओ, सर सर थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाओ, सर सर थोड़ा सा लेक्चर, सर इंटरनेट खत्म हो गया, सर ये प्रॉब्लम है भैया, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है. प्रोवाइडिंग विद सिक्योर लॉगिन आईडी. अब इतने लाखों शेयर होल्डर को लॉगिन आईडी देना पड़ेगा. फिर कस्टमाइज इंस्टेंट रिजल्ट एंड डिटेल ऑडिट रिपोर्टिंग डिफिकल्ट है. डेटा सिक्योरिटी, साइबर क्राइम बहुत ज्यादा होता है, साइबर क्राइम बहुत ज्यादा होता है. एओए साइलेंट है, दे सकते हो भैया, कोई दिक्कत नहीं है. रोल ऑफ चेयरपर्सन एंड कंपनी सेक्रेटरी, तो सेफगार्ड द इंटीग्रिटी ऑफ मीटिंग, ठीक है सर. रिकॉर्ड प्रोसीडिंग एंड प्रिपेयर मिनट्स, मिनट्स बनाने पड़ेंगे. सेफ कीपिंग मार्केटिंग द टेप रिकॉर्डिंग, टेप रिकॉर्डिंग जो भी हुई उसकी रिकॉर्डिंग सही से रखना है. एंश्योर नो अनऑथराइज एक्सेस और अदर नेसेसरी मेजर्स, ठीक है. चले यारो, अब पार्ट बी में सिर्फ आपका एक ही चैप्टर बचा हुआ है, दैट इज व्हाट, जनरल मीटिंग. और ये चैप्टर कम से कम 15-20 मार्क का है भैया, कम से कम 15-20 मार्क का चैप्टर है ये जनरल मीटिंग. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे. दो दिन, सैटरडे और संडे बेटा आपका छुट्टी है, मैं थोड़ा सा दो दिन थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, तो पीठ शायद से थोड़ी और अच्छी हो जाए मेरी, है ना, शायद से नहीं अच्छी हो ही जाएगी, आपका प्यार जो इतना है. तो दो दिन आपका रेस्ट है, लेकिन ये दो दिन मैं क्या करूंगा, आपको कुछ केस स्टडीज भेजूंगा, जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया ना उसके मैं केस स्टडीज भेजूंगा और उसके ऑडियो क्लिप भेजूंगा. ऑडियो क्लिप कहाँ भेजूंगा बेटा, तो जो अपने पेड स्टूडेंट के ग्रुप है ना उसमें तो भेजूंगा ही भेजूंगा, साथ में टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है. थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच. मिलते हैं नए जोश और नए जुनून के साथ. लेक्चर लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, बाकी तुम्हारा